सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत की कथा श्रोता बन के सुननी चाहिए, श्रोता बन के मत सुनो। आजकल हम लोग तो श्रोता बन के सुनते हैं। श्रोता भी संतों ने तीन प्रकार के बताए हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता, तीसरे होते हैं सरोता। श्रोता कौन है? बोले कथा सवेरे 11 बजे आरंभ हो जाएगी, 10:30 बजे आके बैठ जाए, भागवत भगवान का पूजन करके, संतों का दर्शन करके, भागवत की परिक्रमा करके सामने 3 घंटे बैठ के जो कथा सुने वो श्रोता है। श्रोता कौन है? बोले महाराज आ तो जाएंगे कथा में, लेकिन 50 तरह की बात करेंगे। हाँ, कथा तो चलो ठीक ठाक ही है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। चलो व्यवस्था तो ठीक ठाक ही है, लेकिन कथा ठीक नहीं हो रही है। 50 तरह की बात करेंगे। श्रोता सुपारी काटने वाला होता है, वो काटने का ही काम करता है। भाई मेरे तीसरी होते हैं श्रोता, और वो हमको सबसे अच्छे लगते हैं। घर में बेचारे बच्चे सोने देते नहीं है उनको। कितनी माताओं को मैं जानता हूं, कितनी बहनों को जानता हूं कि घर में तो बच्चे सोने हल्ला करेंगे तो बेचारी माताएं कथा में आ जाएगी। कथा में सुंदर महाराज ठंडी कूलर की आवाज आ रही है। आई, महाराज जी ने मंगलाचरण शुरू किया, 3 घंटे की समाधि। और अच्छा, समाधि तो लगाएगी बहने, और लगाई नींद दे घूंघट खींच लेगी, पता ही नहीं चलेगा किसी को। न्यास को पता नहीं, पड़ोस को पता नहीं, महाराज जी को पता नहीं, आयोजक को पता, किसी को पता नहीं, सोना नहीं है। एक बार मैं कई कथा बोल रहा था, माता जी को बड़ी नींद आती, बड़ी। जैसे सोफा में बैठ के सामने कथा हम आरंभ करते, माँ तो महाराज नींद की झोंका लेना शुरू करती। महाराज जी नींद की 2-2 गोली खाऊं तो नींद को नहीं आवे मन ने, और थारी कथा में तो बैठता ही नींद आ जावे मन ने। लो करो बात। भाई मेरे कथा में सोना नहीं, उत्तिष्ठाय उत्तिष्ठ गोविंदम, उठ जाओ जाग जाओ। जो कथा में सो गया अब सोना नहीं, अब सोना नहीं, अब जागना है। उठ जाग मूसा फिर भोरे भाई, अब रहने कहां जो सो फिर भोरे भाई, अब रहने कहां जो सो वते उठ जागे मूसा। गाइए भोरे भाई, अब रहने कहां सो वते रुक नींद से अखियां खोल जरा, टूके नींद से अखियां खोल जरा, टूक नींद से अखियां खोल जरा, टूके